ना गाता रहा हूँ लाई बे गदरा नली यारी ते टूट गई तारा के घर के बल्ले बल्ले भाई टूट गई तारा के घर के मैं दो सौ चवाल है बोले मैं नी दौड़े वे मैं दो सौ चवाल है। आपने कभी कोशिश की कि आप भी दूसरों की तरह अपना एल्बम निकालें? मैंने बड़ी तैयारियां किया, यकीन करना। कब्रिस्तान के पास मैंने बैठ बैठ कर ऊंची ऊंची आवाज में बिल्कुल गिद्धड़ों की तरह मैं कुरलाया हूँ, ऊंची ऊंची। यकीन करना, कई दफा तो मैं कब्र खुदी हुई किसी और की थी, बीच में जाके मैं बैठ गया हूँ, वहां जाके मैंने धुने बनाई, कब्र के बाहर जाके धुने बनाई और ऊंची ऊंची आवाज में गाई। एक दफा तो यकीन करना, लोग इकट्ठे होकर मुझे और मेरे ढोलक वाले को धक्के मार मार कर वहां से निकाला। वो क्यों? वो समझे शायद यहाँ ये कब्रिस्तान में चुड़ैले हैं। ये जो आजकल के गुलकार हैं, जो बहुत अच्छा गा भी रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं, आपको कौन पसंद है? पसंद है नहीं, पसंद थी, अब उसकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, अब उसके दो बच्चे हैं, वो मुझे मामू मामू कहते हैं। मेरा मतलब है कि आपको किस गुलकार की आवाज अच्छी लगती है? शहनशाह फोग शौकत अली साहब, आप शौकत अली साहब को जानते हैं? जी जी, वो ऊंची आवाज में वो जब गाते हैं ना, आपको शायद पता नहीं उनके सुर का। जी, उनको सुनने की कोई खास वजह? वजह सीधी, यार तुम्हें किसने बिठाया जब तुम्हें पता नहीं कि शौकत अली साहब है कौन? फौक के शहंशाह हुए हैं ये। जब वो अपनी आवाज लगाते ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, जब उसने बोला ना दुश्मन मरे, तो उसी दिन मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, प्लीज एक ब्रेक। तुम कौन होते हो ब्रेक लेने वाले? तुम कौन होते हो ब्रेक? ब्रेक मैं खुद लूंगा। ब्रेक।